साड़ी शोरूम में साड़ी बांटने की शिकायत को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेलबाग पुलिस और FST से शिकायत की थी कि प्रीति साड़ी शोरूम में मतदाताओं को साड़ी बांटने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस शिकायत पर बेलबाग पुलिस और FST ने छापा मारा था, लेकिन उन्हें पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसके बाद बेलबाग थाने के बाहर जमा हुए दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक विवाद में पथराव, गोलीबारी के अलावा देसी बमों का भी उपयोग किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद भाजपा के उम्मीदवार अंचल सोनकर थाने पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में ही कार्यकर्ता आपस में गाली गलौज करते रहे। इस विवाद के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि जबलपुर पूर्व में भाजपा की ओर से अंचल सोनकर और कांग्रेस की ओर से लखन घनघोरिया चुनाव लड़ रहे हैं।